लॉकडाउन बिजली बिल माफ करने की मांग भाजपा द्वारा कई बार की गई। खुद मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री ने बिजली बिल माफी के संदर्भ में निर्णय लेने की बात की थी, लेकिन अब उनकी घोषणा खोखली साबित हो गई है। बिजली बिल के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी सरकार अंधी, बहरी तथा गूंगी है, ये कहना है पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का। शुक्रवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार परिषद में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली उठाए, बिजली बिल माफी को लेकर 12 बार से अधिक आंदोलन किए, किंतु उसके बावजूद महाविकास सरकार की कानों में जू तक नहीं रहेंगी। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा पूरे महाराष्ट्र में तीव्र आंदोलन की तैयारी कर रही है। कोरोना के समय किसान, मजदूर, छोटे बड़े व्यवसायी, जरूरतमंद जनता व आम लोगों का आर्थिक स्रोत बंद होने से सभी पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। बावनकुले ने बताया कि भाजपा की सरकार ने 45 लाख किसानों का 5 साल तक बिजली का बिल वसूल नहीं किया था। अब महाविकास सरकार उनकी बिजली काटने पर आमदा है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भाजपा के लोग किसी भी ग्राहक या नागरिक का बिजली कनेक्शन नहीं कटने देंगे। सरकार और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर भी निशाना साधा। जब तक बड़े हुए बिजली बिल कम नहीं करेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये मुगलशाही है, उन्होंने घोषणा की ना, हम क्या कह रहे हैं कि आपने 100 रुपया यूनिट प्रति माह घोषणा की, 12 महीने के 1200 यूनिट आप कम करो और बाद में आप जो यूज किया है वो पैसा वसूल करने मेरी मनाही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण में तुमने कहा था ना कि हम माफ करेंगे, 100 रुपये यूनिट माफ करेंगे, तुमने कहा था, वो दुरुस्त करने के लिए बात कर रहा हूं। और हम क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर की बात नहीं कर रहे, लीडर नेताओं की बात नहीं कर रहे। 300 यूनिट बिजली यूज करने वाले, 100 यूनिट बिजली यूज करने वाले जो परिवार है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उनके डिस्कनेक्शन मत करिए। मैं बड़े लोगों से 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ वसूल करिए, किसकी मनाही नहीं है। तुम इनको हाथ मत लगाइए, 300 यूनिट वाले को और 100 यूनिट वाले को, तुम किसानों को हाथ मत लगाइए, ये मेरी मांग है। तुमने वो बड़े लोगों से वसूल करिए ना, लीडर लोगों से, नेताओं के पास बिलों का वसूल करिए, ऑफिसर से वसूल करिए, गवर्नमेंट के जो होंगे वो वसूल करिए। तुम किसके पास जा रहे हैं, जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो बेरोजगार है, जो किसानों के अभी पूरे साल में किसान के घर में अनाज ही नहीं है, उनके पास जा रहे हैं आप लोग। ये मेरा डिमांड है कि ऐसा मत करिए, ये जनता के साथ बेईमानी है, ये जनता के खिलाफ बेईमानी है और ये बेईमानी को हम सहन नहीं करेंगे।